नमस्कार मित्रों, मैं हूं जयदेव, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी अपनी ख्याति क्लासेस में। ख्याति क्लास लेके आई है चड्डे सीरीज पार्ट टू। तो क्लास एट के विद्यार्थी सभी ध्यान रखें, अब अपन पढ़ने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर नेचुरल नंबर, फोर इंटीजर, फोर रेशनल नंबर। यहां तीनों टाइप की अपन बात करेंगे, वो पूरा अपन क्लियर करेंगे यहां पे। तो अपन ने पहले पार्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर, और उसके बाद अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दो, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो दोनों प्रॉपर्टी अपन ने वहां पे पढ़ ली थी। अब बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, क्लास एट के विद्यार्थी ध्यान रखें, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे आपको फोर नेचुरल नंबर के अंदर। तो आपके सामने यहां पे मैं वेरीफाई करने वाला हूं एडिशन के अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर और मल्टीप्लिकेशन के अंदर और डिवीजन के अंदर। तो वहां पे क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, क्या था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, क्या कंडीशन थी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। उसी तरह से यहां पे होगा ए बी और सी, तीन प्रकार की बात होगी। तो यहां पे जानना ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां पे आपके सामने मैं क्या लेने वाला हूं नेचुरल नंबर के अंदर वेरीफाई करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जहां कहां से स्टार्ट होते हैं, वह वन से स्टार्ट होने वाले क्या होते हैं नेचुरल नंबर। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे कौन से होंगे, प्राकृत संख्या, क्या होगी प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले मैं यहां मान लेता हूं ए इज इक्वल टू, यहां पे मान लेते हैं टू, ठीक है। बी इज इक्वल टू मैं लेता हूं सिक्स, और सी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं आपके सामने ए। तो ये तीनों में इसके अंदर पुट करके चेक करने वाला हूं क्या यह वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी यहां पे रखने पर जो आंसर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और वही राइट हैंड साइड के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो अपन चेक करेंगे। तो देखो ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी, तो क्या करना है ए की जगह अपन पुट करेंगे टू, क्या लिया अपन ने टू, फिर बी की जगह सिक्स और प्लस ए, यानी ये कितना हो रहा है टू प्लस सिक्स एट, एट एट सिक्सटीन, कितना हो रहा है सिक्सटीन। फिर अपन राइट हैंड साइड के अंदर यानी ए प्लस कोष्टक बी प्लस सी, यानी इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो टू प्लस सिक्स प्लस एट, ये भी तीनों एडिशन करेंगे अपन तो अपने सामने क्या आंसर आएगा सिक्सटीन, यानी यहां पे भी सिक्सटीन आ रहा है और यहां पे भी सिक्सटीन आ रहा है। यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर इज एडिशन, इज एडिशन, यानी यह जो प्रॉपर्टी है वह वेरीफाई हो रही है मित्रों। तो यहां पे क्या लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टी के अंदर सब्ट्रैक्शन की, इसकी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर आप देखना यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये वाली साइड लेफ्ट हैंड ले लेते हैं और इसको राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे ए की जगह अपने पास कितना है टू, कितना है टू, माइनस बी की जगह कितना है अपने पास सिक्स और माइनस ए। तो इसको अपन सॉल्व करके चेक करते हैं, तो देखना यहां पे टू माइनस ठीक सिक्स माइनस एट कितना होगा, सिक्स छोटा है और माइनस का एट बड़ा है, यानी यहां कंडीशन क्या बनेगी टू माइनस माइनस टू, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया फोर, क्या हो गया फोर। अब इसके अंदर अपन पुट करके चेक करते हैं, तो देखना यहां पे क्या होता है a माइनस बी, a माइनस बी यानी a अपने पास कितना है टू है, कितना है टू माइनस सिक्स, ओके टू माइनस सिक्स, फिर माइनस यहां पे कितना है a, तो देखो टू में से सिक्स निकल जाएंगे यानी कितना बचा माइनस का फोर और यहां पे माइनस का a, यानी माइनस का फोर और माइनस का ए क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, यानी यहां पे आपका आंसर आएगा माइनस का ट्वेल्व, क्या आया माइनस का ट्वेल्व। अब यहां पे फोर आ रहा था और यहां पे क्या आ रहा था माइनस का ट्वेल्व आ रहा था, यानी यह क्या वेरीफाई हो रही है बिल्कुल नहीं, तो यहां क्या लगा देंगे नॉट, क्या लगा देंगे नॉट, यानी नेचुरल नंबर जो सब्ट्रैक्शन के अंदर अपन पुट कर रहे हैं तो अपने पास यहां पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, यानी काम नहीं कर रहा है, इसलिए अपन क्या लगाएंगे नॉट। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर अपन नेचुरल नंबर पुट करते हैं, जैसे आपके सामने a इज इक्वल टू टू, तो देखना यहां पे पुट कर रहा हूं a इज इक्वल टू टू मल्टी सिक्स मल्टी एट, ओके। फिर यहां पे अपन पुट करते हैं
टू मल्टी सिक्स कोष्टक मल्टी एट, इस तरह से आपको पुट करना है। अब चेक करते हैं, देखना टू मल्टी यहाँ कितना हुआ सिक्स मल्टी एट, एट सिक्स 48 और 48 का अपन 2 के साथ करेंगे यानी कितना आएगा 96, कितना आया 96। अब देखना 2 मल्टी सिक्स 12 और 12 मल्टी 8 करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 96, यानी यहाँ पे भी 96 और यहाँ पे भी 96, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल है, यानी यह काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, यानी यह क्या लिखेंगे यस। अब देखते हैं डिवीजन के अंदर, क्या देखते हैं डिवीजन के अंदर, अपन चेक करके यहां पे देखते हैं तो देखना क्या होता है। ए इज इक्वल टू मैं लेता हूं यहां पे, देखो मैं यहां पे मान लेता हूं ए इज इक्वल टू क्या मिलता हूं 60, क्या मान लेता हूं 60, बी इज इक्वल टू मान लेता हूं यहां पे 3 और सी इज इक्वल टू मान लेता हूं यहां पे 5। तो देखना इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करके अपन चेक करते हैं, तो देखना ए इज इक्वल टू क्या करते हैं 60, तो मैंने सबसे पहले लिखा 60 डिवाइड बी डिवाइड सी यानी 3 डिवाइड 5, ओके। फिर यहां पे देखेंगे a डिवाइड b, क्या कह रहा है a डिवाइड b, यानी क्या लिखेंगे 60 डिवाइड 3 और डिवाइड यहां पे 5। तो इस तरह से आपको चेक करना है क्या दोनों का आंसर एक आता है या नहीं आता, वो चेक करना है। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं 60 डिवाइड, इसको लिखता हूं 3 बाय 5, क्या लिख सकते हैं 3 बाय 5 लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड में 3 बाय 5 लिख दिया, और इस तरह से यहां पे लिख सकते हैं 60 अपॉन 3 और डिवाइड 5। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखना डिवाइड को अपन चेंज कर लेते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो मैं यहां पे थोड़ा कर रहा हूं, ध्यान रखना दिमाग रखना, यहां पे देखना 60 डिवाइड 3 बाय 5 यानी डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 न्यूमरेटर की जगह हो जाएगा और न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर की जगह हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं अपन 60 मल्टी 5 बाय 3, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब 3 की टेबल से 60 कब आएगा यानी 20 टाइम, कितनी बार 20 टाइम, यानी 20 मल्टी 5 कितना हो गया यहां पे 100, क्या हो गया 100 हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। अब अपन यहां देखेंगे 60 अपॉन 3 यानी 3 की टेबल से अपन सीधा काट सकते हैं इसको, तो काट सकते हो कितना आया 20 आया, कितना आया 20 आया, तो आगे यहां लिखा हो देखना 20 डिवाइड 5 की टेबल में 20 कब आते हैं तो 4 टाइम, क्या आते हैं 4 टाइम, यानी जो राइट हैंड साइड अपन ने देखी वह क्या है 4 आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या आ गई 100 आ गई, यानी दोनों आंसर में डिफरेंट हो रहा है, यानी यह भी काम नहीं कर रही है, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे नॉट, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो नेचुरल नंबर के अंदर किस में काम नहीं कर रही है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर काम नहीं कर रही है और डिविजन के अंदर काम नहीं कर रही है, यानी एडिशन में कर रही है और मल्टीप्लिकेशन में भी कर रही है। तो अब अपन बात करेंगे यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, किसकी बात करेंगे इंटीजर नंबर, यहां पे इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं जो माइनस से स्टार्ट होते हैं और प्लस में भी होते हैं और बीच में क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो होता है, यानी नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दोनों लेकर यहां पर अपन चेक करते हैं, तो देखते हैं अपन इंटीजर, ठीक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब बात करेंगे मित्रों आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर, तो सबसे पहले इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं जिसमें -3 -2 -1 0 +1 2 और 3, ये सभी क्या होते हैं इंटीजर नंबर, यानी नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो आपके सामने यहां पे आप प्रूफ करके बताएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर के अंदर, यानी मैं आपके सामने जो ए बी सी तीनों की जो वैल्यू लूंगा वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर यहां पे आपके सामने बताने वाला हूं। तो देखना सबसे पहले मैंने यहां पे लिया ए इज इक्वल टू -2 बी इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू -4, फॉर्मूला यही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा यहां पे, तो देखना सबसे पहले कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए प्लस बी कोष्टक प्लस सी, तो देखना ए क्या है अपने पास -2, क्या लिया अपन ने -2, फिर बी अपन ने +3 लिया है, क्या लिया है +3, ठीक है, फिर कोष्टक लगा देंगे प्लस सी अपने पास क्या माइनस का फोर, यानी इसको अपन सॉल्व करेंगे, देखना तो 3 बड़ा है यहां पे प्लस का तो 3 में से 2 निकल जाएंगे यानी कितना आया 1, क्या आया 1, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, यानी 1 में से 4 निकल गया यानी आपके सामने आंसर कितना आया -3, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई -3। अब बात करेंगे अपन राइट हैंड साइड के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर क्या करेंगे -2 प्लस कोष्टक यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस और यहां पे -4, ओके यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखना
माइनस टू प्लस, अब क्या होगा यहां थ्री और ये प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं थ्री माइनस फोर, क्या लिख सकता हूं थ्री माइनस फोर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखना कंडीशन क्या बनेगी, माइनस टू प्लस और थ्री में से माइनस का फोर निकल जाएगा, यानी आपके सामने क्या बचेगा माइनस का वन बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा वन, यानी इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का टू और प्लस माइनस माइनस का वन, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ेगा। मगर मित्रों आपको क्या ध्यान रखना है, जुड़ तो जाएगा मगर किस में लिखेंगे, माइनस के अंदर ही लिखेंगे, यानी ये भी आ गया माइनस का थ्री, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है वो आपकी क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, यानी इसको अपन लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे यस। तो अपन बात करेंगे अब सब्ट्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर करेंगे सब्ट्रैक्शन के अंदर, ये वाला तो यस हो चुका आपके सामने, अब सब्ट्रैक्शन के अंदर बात करने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर मैंने ए की वैल्यू ली है माइनस सिक्स, बी की लिए माइनस फोर, सी की लिए यहाँ पे माइनस का फाइव, यानी इसके अंदर पुट करके अपन चेक करते हैं। तो देखना माइनस का सिक्स, माइनस का सिक्स माइनस कोष्ठक, माइनस का फोर माइनस और माइनस का फाइव है यहाँ पे, तो माइनस का फाइव, ठीक है। तो आपको किस तरह से करना देखना, ये माइनस का सिक्स माइनस, अपन पहले अंदर क्लियर करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, तो प्लस का फाइव हो गया और ये माइनस का फोर हो गया, यानी फाइव में से फोर निकल जाएंगे तो कितना आएगा वन आएगा, क्या आएगा वन आएगा। अब देखना माइनस का सिक्स और माइनस का वन, माइनस का सिक्स और माइनस का वन, यानी आपके सामने कितना आंसर आ रहा है, तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का सेवन, क्या लिखेंगे माइनस का सेवन। अब नेक्स्ट अपन चेक करके देखते हैं, तो यहां पे ध्यान रखना माइनस का सिक्स माइनस माइनस का फोर, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, फिर माइनस का सी यानी माइनस का क्या है फाइव है, ध्यान रखना इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखना, पहले कोष्टक वाले को क्लियर करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो किस तरह से क्लियर करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये माइनस का सिक्स है तो माइनस का सिक्स और प्लस का फोर, यानी कितना आया, कितना आएगा आपके सामने, देखो यहाँ माइनस का सिक्स है और यहाँ पे प्लस का फोर है मित्रों, कितना है प्लस का फोर है, यानी आपके सामने आएगा माइनस का टू, क्या आएगा माइनस का टू, और यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी लिखेंगे प्लस फाइव, प्लस फाइव, यानी देखो यहाँ प्लस फाइव बड़ा है माइनस टू से, यानी यहाँ पे आंसर कितना आया थ्री, कितना आया थ्री, और यहाँ पे कितना आया था माइनस का सेवन, यानी क्या ये वेरीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको नहीं करेंगे यानी नो, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की, किसकी बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर, देखना ए की वैल्यू फाइव ले रखी है, बी की माइनस सेवन और सी की माइनस एट, यानी इसको पुट करेंगे अपन फाइव मल्टी कोष्ठक माइनस सेवन मल्टी माइनस का एट, ठीक है, यानी कितना होगा देखना, यहाँ पे फाइव मल्टी सेवन मल्टी माइनस, माइनस क्या होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, यानी यू समझो आप ये प्लस हो गया, सेवन एट जा फिफ्टी सिक्स, यानी कितना आया 280, कितना आया 280। अब अपन राइट हैंड साइड के अंदर देखेंगे यहाँ पे, तो फाइव मल्टी माइनस सेवन और मल्टी माइनस का एट, यानी यहाँ पे ध्यान रखना ये कितना हुआ सेवन फाइव जा 35, यानी देखना 35 माइनस के आएंगे, कैसे आएंगे क्योंकि एक माइनस की है और एक प्लस की है, फिर यहाँ पे देखना मल्टी में क्या है माइनस का एट, क्या आ रहा है माइनस का एट, तो आप दिमाग लगाइए, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एट फाइव जा कितना हुआ 40 यानी फोर कैरी, एट थ्री जा 24 और फोर कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28, यानी दोनों के अंदर क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 280 आ रहा है और यहाँ पे भी 280 आ रहा है, यानी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या है दोनों इक्वल है, यानी यह क्या होगा काम कर रहा है, यानी इसको भी क्या लिखेंगे यस, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन के अंदर, किसके अंदर बात करते हैं डिवीजन, तो डिवीजन में देखना ए इज इक्वल टू माइनस 10, बी इज इक्वल टू 2 लिया है और सी इज इक्वल टू माइनस 5 लिया है, तो यहां पे ध्यान रखना अपन इसमें करके चेक करते हैं। तो देखना यहां पे लिखते हैं सबसे पहले माइनस का 10 डिवाइड, ठीक है, और कोष्ठक में लिखते हैं बी, बी कितना अपने पास 2 डिवाइड और सी कितना है माइनस का 5, कितना है माइनस का 5, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे देखना, माइनस का 10 और इसको मैं लिख सकता हूं इस तरह से देखना डीवाई, इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन माइनस 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखना डिवाइड को अपन मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पे देखना माइनस 10
मल्टी, माइनस का 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखना 2 की टेबल में 10 कब आते हैं, तो 5 बार, माइनस में है तो माइनस 5 टाइम, यानी क्या बचा, माइनस 5 मल्टी माइनस 5, यानी कितना आया 25, कितना आया 25 आंसर आया, अपना आंसर कितना आया लेफ्ट हैंड साइड में 25। अब राइट हैंड साइड के अंदर अपन चेक करेंगे, देखना माइनस 10 डिवाइड 2, ठीक है, कोष्टक बंद करके डिवाइड सी कितना आपके पास माइनस का 5। अब इसको अपन चेक करके देखते हैं, तो यहां पे सीधा होता है 2 की टेबल से अपन 10 को डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, ठीक है, और यहां पे डिवाइड माइनस 5, यानी माइनस 5 से डिवाइड करना माइनस 5 का ही, यानी माइनस 5 की टेबल वन टाइम बोलेंगे तो यहां पे कितना आया 1, कितना आया 1, यानी यहां पे 1 आ रहा है और यहां पे 25 आ रहा है मित्रों, यानी आपका यह वेरीफाई हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी इसको भी क्या लिखेंगे नॉट, क्या लिखेंगे नॉट, यानी आपको फिर पता चल गया कि इंटीजर के अंदर अपन इंटीजर ले रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर, तो एडिशन तो वेरीफाई हो रही है, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है और मल्टीप्लिकेशन हो रही है और डिविजन नहीं हो रही है। सेम वही कंडीशन किसमें बनी थी आपकी, वही कंडीशन आपके किसमें बनी थी नेचुरल नंबर के अंदर। तो अब अपन बात करेंगे अपने चैप्टर के ऊपर जो रेशनल नंबर है, अपन लेंगे यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर। तो अब अपन बात करेंगे आपके सामने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ये आपको मैंने पार्ट वन के अंदर बता दिया था। तो सबसे पहले एडिशन के अंदर अपन चेक करेंगे, तो a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं यहां पे 1/3, b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 2/3 और c इज इक्वल टू मैं आपके सामने ले रहा हूं 4/3, ठीक है। तो यहां पर अपन वेरीफाई करेंगे और चेक करेंगे, ठीक है, दो मैं करूंगा और दो आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना a प्लस कोष्टक b प्लस c, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन करेंगे, यहां पे रखता हूं 1/3 प्लस b प्लस c, यानी कितना होगा 2/3 प्लस 4/3, ओके। तो आपको यहां तक समझ में आ गया, अब इसको वेरीफाई करेंगे, तो यहां पे 1/3 को 1/3 लिखेंगे और 3 यहां पे एलसीएम हो गया, 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 की टेबल से 6 कट जाएगा, यानी कितना आया मित्रों, कितना आया, तो ये आपके सामने आ गया, कितना आया 2, यानी इसको लिखेंगे 1/3 प्लस 2, यानी 2 का सीधा मल्टीप्लाई यहां पे 3 के साथ कर देंगे, यानी 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो 6 + 1 = 7, यानी कितना आया 7/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई 7/3 आई। फिर अपन चेक करेंगे यहां पे a प्लस b, यानी 1/3 प्लस 2/3 और कोष्टक बंद कर फिर प्लस 4/3, अब कैसे होगा देखना, यहां पे 3 एलसीएम हो गया, फिर 1 + 2 कितना हुआ 3 और प्लस 4/3, ठीक है, सेम वही कंडीशन बन रही है। अब इसमें 3 और 3 दोनों क्या कॉमन है, यानी एलसीएम भी 3 आएगा यहां पे, और 3 + 4 कितना हो गया 7, तो ये भी कितना आ रहा है 7/3 और यहां पे भी कितना आ रहा है 7/3, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है मित्रों, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर आपकी काम कर रही है, किसमें कर रही है एडिशन के अंदर। अब बात करेंगे मैं आपके सामने करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन, क्या करने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन करने वाला हूं, तो देखना यहां पे a और b यही वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है, तो a की जगह पर रखेंगे 1/3 मल्टी, फिर रखेंगे 2/3 मल्टी, फिर रखेंगे 4/3, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, यानी कोष्टक वाले को पहले करना है, तो यहाँ पे 1/3 मल्टी, फिर कितना होगा ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ, यानी 2 × 4 कितना होगा यहाँ पे 8, ठीक है, और 3 का 3 के साथ करेंगे कितना आया 9, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 का 8 के साथ और 3 का 9 के साथ, यानी ये हो जाएगा 8 और नीचे आएगा 27, तो 8/27 आया। अब अपन राइट हैंड साइड चेक करते हैं, तो 1/3 मल्टी 2/3 कोष्टक मल्टी 4/3, यानी क्या करेंगे 1 का 2 के साथ तो कितना आया 2 और 3 का 3 के साथ कितना आया 9, फिर यहां पे 4/3, फिर 2 का 4 के साथ करेंगे तो 8 और 9 का 3 के साथ करेंगे 27, यानी यहां पे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों सेम है, यानी यह भी आपकी काम कर रही है, तो यहां पे क्या लिखेंगे यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे मित्रों
यस लिखना है, ध्यान रखना। अब मैं आपको यहां पे होमवर्क दे रहा हूं, उन होमवर्क को आप करके मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर किसमें, सब्ट्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर, क्या काम कर रही है या नहीं कर रही है? तो मुझे आपको क्या लिखकर मैसेज करना है कि आपको करना है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कर रही है तो यस लिखना है, और डिवीजन के अंदर कर रही है तो यस लिखना है, नहीं कर रही है तो नॉट या नो या लिखकर आप भेज सकते हैं मित्रों। तो यहां तक आपको मैंने समझा दिया पूरी बातें। यहां पे आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर, फिर इंटीजर नंबर, फिर अपन पढ़ रहे थे रेशनल नंबर। तो सभी बातें इस वीडियो के अंदर क्लियर हो चुकी है। तो यह सभी बेसिक बेसिक जो बातें हैं वह चकदे सीरीज के अंदर अपन ने क्लियर कर दी है। तो नेक्स्ट अपने चकदे सीरीज का पार्ट 3 जो आएगा उसमें एक्सरसाइज 1.1 अपन पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपको अच्छा लगा है वीडियो तो बिल्कुल लाइक करना नहीं भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मित्रों, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक लेवल से यहां पे आपको जीरो से हीरो बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? जीरो से हीरो बना रहा हूं, इसलिए आप इसको शेयर करना नहीं भूले और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।